आज अपन बिजी के अंदर सीखेंगे, यदि अपन कोई आइटम परचेज करते हैं और उसमें अगर परचेज बिल में कुछ डिस्क्रिप्शन आता है उस आइटम का, और वो अगर अपने को बिजी के अंदर फीड करना है, तो वो अपन कैसे कर सकते हैं। सपोज करते हैं, जैसे मेरे कंप्यूटर का काम है, मैं कंप्यूटर के कुछ पार्ट्स होते हैं उनको खरीदता हूँ और बेचता हूँ। जैसे मैंने सपोज करते हैं कुछ हार्ड डिस्क परचेज करी, तो उसमें बिल में हार्ड डिस्क का कोई मॉडल नंबर वगैरह आया, और वो मैं चाहता हूँ कि परचेज जब की एंट्री मैं करूँ बिजी के अंदर, तो वो वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आ जाए, तो वो किस प्रकार आएगा, इसको आज अपन प्रैक्टिकली कर कर देखेंगे। सबसे पहले अपने को परचेज की सीरीज में आइटम डिस्क्रिप्शंस के ऑप्शन को अनेबल करना पड़ेगा। इसके लिए आप एडमिनिस्ट्रेशन पर जाएंगे, कॉन्फ़िगर पर जाएंगे, वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगर पर जाएंगे। जैसे मैं यहाँ पर परचेज में करना है, तो परचेज में जो भी सीरीज होगी वो सेलेक्ट कर लूँगा। अभी यहाँ पर एक ही सीरीज आ रही है, उसको ले लेंगे, और वाउचर कॉन्फ़िगर पर जाएंगे। वाउचर कॉन्फ़िगर पर जाने के बाद आपको यहाँ पर मिलेगा आइटम वाइज डिस्क्रिप्शन, इसको अपन सिंपली यस करेंगे और कॉन्फ़िगर करेंगे। यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन के जो टाइटल है वो मैक्सिमम 20 ले सकते हैं, तो अभी अपन यहाँ पर 4 ही ले लेते हैं और इसको F2 से सेव कर लेते हैं और एक परचेज की एंट्री पास करते हैं। अब सबसे पहले अपन एक आइटम जनरेट कर लेते हैं। जैसे सपोज करते हैं मैंने कुछ हार्ड डिस्क परचेज करी और बिल में हार्ड डिस्क के कुछ डिस्क्रिप्शन वगैरह भी आए, तो यहाँ पर मैं ऐड आइटम पर जाऊँगा और एक आइटम जनरेट कर लेंगे अपन। हार्ड डिस्क सपोज करते हैं 500 GB, ये अपन ने लिख लिया। ई ग्रुप हो गया जनरल, यूनिट्स ले लेंगे नंबर्स, टैक्स कैटेगरी 18%, और इसको F2 से सेव कर देंगे। अब इसकी अपन एक परचेज की एंट्री पास करते हैं। ये मैं ट्रांजेक्शन पर जाता हूँ और एक 15 मार्च की एंट्री अपन परचेज की पास कर लेते हैं, और बिल नंबर यहाँ पर ले लेता हूँ 89, और लोकली ले लेते हैं और HK कंप्यूटर, ये अपन ने ले लिया। और यहाँ पर जैसे हार्ड डिस्क अपन ने परचेज करी, अब जैसे सपोज करते हैं उस पर कुछ मॉडल नंबर आया बिल में, तो अपन यहाँ पर लिख सकते हैं इसका मॉडल नंबर, जैसे 456963, यह आपने लिख दिया। ये किसकी हार्ड डिस्क है, सुप्रीम की सपोज करते हैं ये हार्ड डिस्क है, तो आपने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दे दिया। यानी डिस्क्रिप्शंस के अब फील्ड आने लग जाएंगे जब आप आइटम डिस्क्रिप्शंस के ऑप्शन को अनेबल करेंगे। ये आ गए। उसके बाद जैसे 10 अपन ने परचेज करी 2000 रुपये से, और नीचे GST लग गया, ये हो गया। इस तरीके से आप आइटम डिस्क्रिप्शन परचेज के बिल में इजीली तरीके से दे सकते हैं। इस एंट्री को मैं सेव कर लेता हूँ। तो अगर आप बिजी सीखना चाहते हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।